आप कहें तो, आप पूरे हरियाणा में बोले तो ये ऐसी कोई लैब शायद नहीं होगी यहाँ पे। बहुत सी कंपनी फेलियर हो रही है इस चीज के लिए। धरती को सही करने के लिए ये हमारे बायो फर्टिलाइजर है। सभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की पैरामीटर को चेक करने के लिए ये अपनी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की लैब है। नमस्कार, मैं हूँ संध्या और आज मैं जिस जगह खड़ी हूँ वो जगह हरियाणा का सफीदो है, जहाँ हम आए हैं जेपीसी बायोकेयर प्राइवेट लिमिटेड में। हम पूरे प्लांट का आपको मुआयना करवा देते हैं और हमारे साथ इस प्लांट के जो पूरा सर्वो सर्वा हैं, जो इस कामकाज देखते हैं प्लांट का, मौजूद हैं। सर आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है अभिनव अरोड़ा। अभिनव अरोड़ा जी, सर आपका प्लांट आप हमें बताइए, दिशा निर्देश दीजिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या है प्लांट का। भाई मैं आपको यहाँ का R&D डिपार्टमेंट है जो हमारा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए सर। यहाँ पर हमारे अजय जी हैं, अजय सैनी जी, जो बेसिकली इस चीज को लीड करते हैं। सर आप सबसे पहले अपना नाम, अजय सैनी जी तो पता चल गया हमें, लेकिन आप अपना डेजिग्नेशन बता दीजिए। मैं अजय सैनी हूँ और मैं यहाँ पे QCN R&D मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। हमारा जो मेन प्लांट है बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, आज इसका हमारे यहाँ पे उद्घाटन हुआ है जीपीसी बायो केयर प्राइवेट लिमिटेड का। और शायद ये हरियाणा में, या आप कहें तो, आप पूरे हरियाणा में बोले तो ये ऐसी कोई लैब शायद नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि हमने बहुत बड़े लेवल पे इस पे काम किया है और काफी हमें एक्सपीरियंस है मतलब इसमें। और ये सबसे खास है, सबसे अलग है, जैविक प्लांट है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक प्लांट है, क्या खास है चलिए आप बताइए। जी बिल्कुल मैम, ये हमारी लैब है बायो फर्टिलाइजर, जिसमें हम जो भी जितने भी टाइप के बायो फर्टिलाइजर होते हैं, जैसे फॉस्फेट सोलाइजिंग बैक्टीरिया हो गया, नाइट्रोजन को फिक्स वाले बैक्टीरिया हो गया एजोटोबैक्टर, और पोटास को मोबिलाइज करने वाला बैक्टीरिया जिसे हम फटूरिया और इनसे कहते हैं, उन सब पे हमारा यहाँ पे R&D चलता है, QC करते हैं। QC करने के बाद हम उसे लार्ज स्केल पे फर्मेंटर में लेके जाते हैं। जैसे मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, ये है हमारा ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव एक, ये एक ऐसी मशीन है या ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जब हम किसी भी बैक्टीरिया, क्योंकि मैम हमें ग्रो होने के लिए सब्जी या खाना चाहिए होता है, ऐसे ही किसी भी जीवाणु को या किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए खाना चाहिए होता है, जिसे हम ग्रोथ मीडिया बोलते हैं। तो उस ग्रोथ मीडिया को हम क्या करते हैं, ग्रोथ मीडिया बनाया, और ये है ऑटोक्लेव। इसमें क्या होता है कि हमने अपने मीडिया रखा और इसे स्टराइज करते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं, जो अनवांटेड होते हैं। उसके बाद किल होने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे दूसरा मशीन है हम लैमिनार में हम क्या करते हैं कि अपने बैक्टीरिया का इनोकुलेशन करते हैं, जो भी हमें बैक्टीरिया रिक्वायर होता है। रिक्वायर होने के बाद हम जो उसका ऑप्टिमम कंडीशन होती है, जैसे किसी भी हमें ग्रो करने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए होता है या कोई भी एक pH चाहिए होती है, ऐसे ही बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए होती है, जैसे कि pH हो गया, टेम्परेचर हो गया, या उसका ग्रोथ टाइम, कितना ग्रोथ टाइम है वो ग्रो करेगा। तो उसी को ही हम क्या करेंगे, छोटे बैक्टीरिया फ्लास्क में हम ग्रो करते हैं। फ्लास्क में ग्रो करने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये हमारा ऑर्बिटल सेकर है, ऑर्बिटल सेकर पे हम उसे लगा देते हैं, और वो 72 आवर्स में ग्रो होने के बाद हम उसकी QC चेक करते हैं। बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड में हमारा मेन काम क्या रहता है कि हम एवरी स्टेप पे QC R&D चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी हम QC अगर हम नहीं करेंगे किसी प्रोडक्ट की चेक, तो हमें यही नहीं पता चल पाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। और बहुत सी कंपनी में ऐसी चल रहा है कि वो विदाउट हर स्टेप पे QC चेक ना करके फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप पे QC चेक करते हैं, एंड ऑफ द टाइम उन्हें क्या मिलता है कि ये तो वो प्रोडक्ट था ही नहीं जो उन्होंने बनाया है। इसीलिए बहुत सी कंपनी फेलियर हो रही है इस चीज़ के लिए। तो मेरा मानना ये है कि एवरी स्टेप पे QC चेक करोगे तो वो बहुत बेटर रहेगा। तो ये अपने बायो फर्टिलाइजर को ग्रो कराने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका ऑर्बिटल सेकर है, ये आपका BOD है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसमें हम किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, और ये टेम्परेचर जो रहता है वो 28 डिग्री से 38 डिग्री तक इसका टेम्परेचर रहता है। ये ऑर्बिटल सेकर हो गया मैम। इसके बाद ये अपने R&D करने के लिए ये एक सबसे कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है आपका कूलिंग सेंट्रीफ्यूज, जिसमें हम किसी भी बैक्टीरिया को कि उस कन्फर्मेशन टेस्ट लगाते हैं, उसका चेक करते हैं कि क्या उसके उसके मतलब पैरामीटर क्या क्या है। तो ये अपना सेंट्रीफ्यूज हो गया है। उसके बाद जो वो है अपना वो मफल फर्निस है, ये अपने लैमिनार एयर फ्लो है, जिसके अंदर मेन काम होता है लैमिनार एयर फ्लो। ये एक ऐसी मशीन है, ये फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन वाला एरिया होता है,
और इसमें ही हमारा सारा एरिया होता है, ठीक है मैम। उसके बाद ये हमारे सेकर हो गया, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है मैम, एजेटोबैक्टर, दिस वन इज एजेटोबैक्टर, जो कि एटमोसफेयर में प्रजेंट। हम सभी जानते हैं कि जो एटमोसफेयर होता है अपने पर्यावरण, उसमें 78% नाइट्रोजन होती है मैम, ठीक है। लेकिन वो सारी प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाती है, वो प्लांट को अवेलेबल कराने के लिए हम क्या करते हैं कि अपना बैक्टीरिया जो हमारा एजेटोबैक्टर है, इसका मेन वर्क होता है कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट तक पहुंचाने के लिए ये उसे कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में। ये एजेटोबैक्टर हो गया, ये पीएसबी है, फॉस्फेट को सुबलाइज करने वाला, ये जिंक है, जिंक को सुबलाइज करने वाला, मतलब कि वो जिंक हमने इतने सालों से केमिकल डाल डाल के जो धरती को खराब किया है, तो उसी को शॉर्ट फॉर्म उसी को मतलब धरती को सही करने के लिए ये हमारे बायो फर्टिलाइजर है, यस, रिपेयर करने के लिए, और जो ठोस फॉर्म में जो केमिकल है उसको मतलब सही करने के लिए, उसको सोल्यूबल फॉर्म में बनाने के लिए। ये अपने माइक्रोस्कोप है, दिस वन माइक्रोस्कोप फॉर माइक्रोलाइजर। माइक्रोलाइजर एक बहुत बेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि धरती में बहुत सारे प्लांट में प्लांट की ग्रोथ को वो बहुत बढ़ाता है और उन्हें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। दिस काम इज बीइंग बैलेंस मैम, ये अपना ये क्या आपने बताया इसका नाम? ये मैम अपना वेइंग बैलेंस है। किसी भी मीडिया को ग्रो कराने के लिए हमें उसकी एक ग्रोथ मीडिया बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि उसका एक सॉल्यूशन बनाना होता है, तो वो सॉल्यूशन बनाने के लिए जो ग्रोथ हार्मोन्स या ग्रोथ केमिकल चाहिए होते हैं उसमें हम उसका वेइंग करते हैं। ये अपना सेकर है, ये जिसमें बैक्टीरिया घूम रहे हैं, एजेटोबैक्टर, पीएसबी, राइजोबियम, तरह तरह के यहाँ पे बैक्टीरिया घूम रहे हैं जो कि जिसे हम लार्ज स्केल पे करेंगे, जो कि मतलब ह्यूमन हेल्थ पे कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, और ये इन्वायरमेंटली, क्योंकि इस पे काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, ये इन्वायरमेंटली, ह्यूमन हेल्थ और सबके लिए बेनिफिशियल है। इसी तरीके की मैंने एक लैब है दूसरी, बायो पेस्टिसाइड का मतलब ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं, और बायो पेस्टिसाइड मीन्स कि जो प्लांट के ऊपर या सोयल बोन डिजीज जो होती है या प्लांट में कोई डिजीज आ गई, उस डिजीज को ठीक करने के लिए हमारी एक और लैब है बायो पेस्टिसाइड, जिसमें हम तरह तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी हो गया, सुडोमोनास फ्लोरेसेंस हो गया, या फिर आपका विवेरिया बेसियाना हो गया, वर्टिसिलम निकेनी हो गया, तो ये सभी बायो पेस्टिसाइड है जो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है, जो मतलब किसान भाई के माइंड में जो एक माइंडसेट बैठा बना हुआ है कि नहीं ये बायो काम नहीं करता है, बायो एक्चुअली काम करता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, जो हमने धरती इतने टाइम से ख़राब की हुई है उसके लिए मैम थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, इसलिए हर एक चीज़ प्रोडक्ट काम करती है बायो में, लेकिन उसके लिए वो टाइम मांगता है। ये एक लेबोरेटरी है, yes. इसके अलावा भी एक और लेबोरेटरी है यहाँ पर, तो आप उसका भी हमें दौरा करवाने वाले हैं। चलते हैं दूसरी लैब की तरफ, जिसमें कि हमारे तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे जिसे हम हिंदी में जैविक खाद भी बोल सकते हैं, जिसमें कि आपका प्रोम हो गया, फॉस्फेट को सोबलाइज फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, नाम से ही पता चल रहा है, PROM, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसमें कि फॉस्फेरस की परसेंटेज ज़्यादा होती है, और जो कि एक हम जिसे एक बायो DAP भी बोल सकते हैं, जो एक DAP का सब्स्टिट्यूट है। दूसरा हमारा प्रोडक्ट होता है वर्मी कंपोस्ट, जिसे हम केचुआ खाद कहते हैं। तीसरा हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है कि ऑर्गेनिक मैन्योर। चौथा है सिटी कंपोस्ट, जो कि सिटी के वेस्ट से बनता है। इन सभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की पैरामीटर को चेक करने के लिए ये अपनी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की लैब है, जिसमें कि हम उनके पैरामीटर चेक करते हैं कि उसमें नाइट्रोजन परसेंटेज कितना है, फॉस्फोरस परसेंटेज कितना है, पोटास परसेंटेज कितना है, या फिर अदर पैरामीटर जैसे जिंक, कोबाल्ट। तो ये जो लैब है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है अपना फ्यूम मोड। इसमें हम जितने भी कार्सिनोजेनिक या फ्यूम्स वाले टेस्ट होते हैं वो हम इसके अंदर करते हैं। इसके अंदर एक ब्लोअर लगा होता है जो आसानी से फ्यूम्स को सक करके वो बाहर निकाल देता है। इसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट है मैम, जेल डाल, ऑटोमेटिक जेल डाल असेंबली, जिसे कि हम नाइट्रोजन टेस्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं। इसमें हम नाइट्रोजन को टेस्ट करते हैं। थर्ड वन इज फ्लेम फोटोमीटर। फ्लेम फोटोमीटर में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे प्रोम हो गया, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो गया, ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, या फिर डी ऑयल्ड केक जिसे हम कैस्टर केक भी कहते हैं, उनको टेस्ट करने के लिए एक फ्लेम फोटोमीटर है, जिसमें कि हम
पोटास को चेक करते हैं कि उसमें पोटास की परसेंटेज कितनी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैम सभी कंपनी मतलब बहुत सी कंपनी में सभी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन वो एक दो पैरामीटर ही चेक करते हैं, जिससे लास्ट में रिजल्ट क्या मिलता है कि किसी भी एक प्रोडक्ट की वजह से पूरा प्रोडक्ट खराब हो जाता है अगर वो टेस्ट ना हो तो, किसी भी एक पैरामीटर की वजह से। जैसे ये मैडम इंस्ट्रूमेंट बहुत छोटा सा दिखता है कंडक्टिविटी मीटर, लेकिन ये इसका रोल बहुत बड़ा है। अगर हम इसे इसका जो मेन काम होता है वो होता है कंडक्टिविटी चेक करना कि हमारी धरती के अंदर या कितनी कंडक्टिविटी है, प्लस माइनस पॉइंट कितना जा रहा है। तो अगर हम इसे भी चेक नहीं करेंगे, अगर हमारा प्रोडक्ट की कंडक्टिविटी 4+ जा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे धरती के अंदर जाके माइनस मतलब रिजल्ट देगा। तो ये सब पैरामीटर के लिए हमारी जो लैब बनी हुई है ये बहुत मेन लैब है। ये लैब छोटी दिखती है लेकिन इसका जो काम है ये बहुत बड़ा है। तो ये जो स्पेशल लैब थी मैम अपनी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की लैब, बायो फर्टिलाइजर की लैब और तीसरा आपका बायो पेस्टिसाइड की लैब, इन सब लैब को चलाने के लिए या इन किसी भी एक बायो यूनिट को चलाने के लिए इन लैब की जरूरत पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी सारी तमाम जानकारियाँ दी, जैविक प्लांट से जुड़ी हुई जानकारियाँ दी जो शायद आम लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन खेतीबाड़ी से जुड़े जो लोग हैं उनको ज़रूर जैविक खेती के बारे में पता होगा, क्योंकि जैविक खेती जो है आज के दिनों में जो है वो धीरे धीरे अब ट्रेंड बनना शुरू हो चुका है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आपको ऑर्गेनिक चीज़ें मिले, आपको ऐसी चीज़ें ना मिले आपकी थाली में ना आए जिससे आपके शरीर को हानि पहुँचती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह आपकी थाली में जो है पूरा विष मुक्त खाना मिले आपको, तो जैविक भोजन जो है उसका सबसे अच्छा एक हल है। और ये जो है ये प्लांट जो है हरियाणा का दावा किया जा रहा है कि हरियाणा का ऐसा प्लांट है जो आपकी थाली तक जो है जैविक भोजन लेकर आएगा, जो आपको जो है वो ऐसा खाना देने वाला है, ऐसा भोजन देने वाला है जो आपके शरीर को हानि नहीं पहुंचाएगा बल्कि फायदे ही फायदे देगा। लेबोरेटरी के बाद मैं आपको सबसे बड़ा पार्ट जो हमारा है फर्मेंटर एरिया, जिसमें कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जैसे कि वहाँ पे जो दही होती है, दही के लिए हमें जवान जमाना पड़ता है, तो उसी के लिए वो जो लैब थी, लैब में हम माइक्रोब्स को बनाते हैं। माइक्रोब्स को बनाने के बाद ये अपने फर्मेंटर है, इन फर्मेंटर में हम क्या करते हैं 5 लीटर 10 लीटर अपने बैक्टीरियल कल्चर बनाने के बाद इसमें हम अपना ट्रांसफ़र करते हैं। उसके लिए हम 2000 लीटर 5000 लीटर यहाँ पे बनाते हैं, और बनाने के बाद अपना जो उसका ऑप्टिमम कंडीशन है जिसके बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो ऑप्टिमम कंडीशन दी जाती है 48 घंटे 72 घंटे 72 घंटे के होने के बाद हम लोग क्या करते हैं इसको, वही जो मैंने आपको बताया था हर पैरामीटर पर हम क्यूसी चेक करते हैं। अगर ये कल्चर आपका रेडी है, रेडी होने के बाद हम क्या करते हैं इसे स्टोरेज टैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। स्टोरेज टैंक में ट्रांसफ़र करने के बाद ये अपना क्यूसी उसके बाद भी हम चेक करते हैं। क्यूसी चेक करने के बाद ये अपना आता है फिलिंग रूम, लिक्विड फिलिंग रूम, जिसमें कि हम बायो लिक्विड फिलिंग का फिलिंग करते हैं मशीन के थ्रू। मशीन के थ्रू फिलिंग होने के बाद क्या होता है कि हम ये पैकिंग करते हैं इसके बाद, जैसे ही मतलब फिलिंग हो गई बोतल की, अब उसकी हम पैकिंग करेंगे। पैकिंग करने के बाद वो लेबल लगते हैं, ये अपना पैकेजिंग एरिया है। पैकेजिंग एरिया में सर्व अपना सीवी बॉक्स में जाएगी बोतल, वहाँ पर चेक होगी। चेक होने के बाद इसके बाद हमारा जो ये हो गए लिक्विड की बात, इसके बाद हम करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है लिक्विड ग्रैनुल्स पाउडर, तो यहाँ पे लिक्विड फिनिश होने के बाद हम उसे पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, पाउडर में फॉर्मुलेट करते हैं। ये पाउडर सेक्शन है, इसमें हम पाउडर फॉर्म में बैक्टीरिया को बनाते हैं। इसके बाद ये अपना दूसरा सेक्शन है जिसमें हम पाउडर और जीआर दोनों में कन्वर्ट करते हैं पाउडर फॉर्मुलेशन। जैसे आप देख ही रहे हो एनपीके, ये एक पाउडर फॉर्म में बना हुआ है, 4 kg का डब्बा है जो कि धरती में एनपीके की कमी को पूरा करेगा। इसके बाद ये सभी को मतलब रखने के लिए, रॉ मटेरियल रखने के लिए एक स्टोर है अपना, जिसे कि हम बायो फर्टिलाइजर या बायो पेस्टिसाइड का रॉ मटेरियल स्टोर रूम बोलते हैं। यहाँ पे अपना रॉ मटेरियल आता है, उसका उसके बाद उसकी क्यूसी चेक होती है, क्यूसी चेक होने के बाद उसकी फर्दर प्रोसेस होती है। आपका, आपने इतनी सारी तमाम जानकारियाँ दी, जैविक प्लांट से जुड़ी हुई जानकारियाँ दी जो शायद आम लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन खेतीबाड़ी से जुड़े जो लोग हैं उनको ज़रूर जैविक खेती के बारे में पता होगा, क्योंकि जैविक खेती जो है आज के दिनों में जो है वो धीरे धीरे अब ट्रेंड बनना शुरू हो चुका है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आपको ऑर्गेनिक चीज़ें मिले, आपको ऐसी चीज़ें ना मिले आपकी थाली में ना आए जिससे आपके शरीर को हानि पहुँचती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह आपकी थाली में जो है पूरा विष मुक्त खाना मिले आपको, तो जैविक भोजन जो है उसका सबसे अच्छा एक हल है।
और ये जो है ये प्लांट जो है हरियाणा का दावा किया जा रहा है कि हरियाणा का ऐसा प्लांट है जो आपकी थाली तक जो है जैविक भोजन लेकर आएगा, जो आपको जो है वो ऐसा खाना देने वाला है, ऐसा भोजन देने वाला है जो आपके शरीर को हानि नहीं पहुंचाएगा बल्कि फायदे ही फायदे देगा। धन्यवाद।